हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। नाइन्थ पोर्टल की ओपनिंग हो चुकी है, जैसे कि आप सभी को पता है, और उसके बारे में तो मैं आप लोगों को जब पोर्टल की ओपनिंग प्रॉपर हो जाएगी तभी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो 1-2 दिन में जहाँ तक है उसका कंप्लीट एनर्जी मैसेज आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे आप लोगों से कुछ साझा करना था, है ना। और मन था कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर से, मतलब इंट्यूशन नहीं कहूँगी मैं उसे, क्योंकि वो इंट्यूशन नहीं है, वो एक मेरी अभी जो इस वक्त की एनर्जी है, इस वक्त की क्या, जो आजकल मेरी एनर्जी चल रही है ना, उस पर ही बताऊँगी थोड़ा सा। और हो सकता है आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ शायद रेजोनेट भी करे, वो चीज़ हो सकती है। तो जस्ट ये मेरी खुद की जो अभी इस वक्त की एनर्जी है, मैं उस पर बात कर रही हूँ अभी थोड़ा सा, है ना। एक वक्त इस जर्नी में चलते 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 जब आप आगे आगे बढ़ते हो, तो आपको एक वक्त ऐसा आता है इस जर्नी के अंदर कि आपको तब ये पता चलता है कि, मतलब शुरुआत जब आप करते हो, अवेकनिंग हो जाती है वो सब, और अवेकनिंग का जो पीरियड होता है बहुत बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, पेनफुल होता है, क्योंकि उससे पहले की जो सारी चीज़ें होती बहुत ज़्यादा उलझी हुई रही होती हैं, और मन में बहुत शोर रहा होता है एक वक्त पे। और तब हम बस ये चाह रहे होते हैं कि जीवन में बस सुकून हो, और ऐसा सुकून हो ऐसा कि बस कुछ भी नहीं चाहिए होता है ना। और एक जो DF एनर्जी होती है, मैं अपनी ही बात करूँ तो एक DF एनर्जी होती है, वो एक टाइम पर उस स्थिति में आ जाती है कि उसको फिर अवेकनिंग के बाद ये भी अंदर से निकल जाता है एक टाइम के बाद कि अभी सिर्फ खुद को सुकून चाहिए, है ना, अपनी सोल को सुकून देना है, ध्यान करना है, ध्यान हो पा रहा है तो, नहीं तो अंतर मन से ईश्वर को याद करना है ना, उनकी सेवा करनी है, जिस भी तरह से आप लोग कर पाएं, जिस भी भाव से आप लोग कर पाएं वो करना है। और बस मन में अपने यही रखना है कि बस जो हमारे ईस्ट हैं वो हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है और वो ही सुकून है हमारे अंदर का। और जब धीरे धीरे कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं, चेजिंग का टाइम भी चल रहा होता है ना, चेजिंग डिस्टोरेड DMs आते हैं, फिर वो रियल DM के आने का वो सारा कुछ प्रोसेस जब चल रहा होता है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वो स्थिति आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जो एक रियूनियन के बाद आप लोगों को मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ पाएंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और वो, मतलब जो भी हमारे अंदर सवाल रहते हैं रियूनियन से पहले, वो सब सवालों का जो एक उत्तर है वो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, और शायद से आप लोग सुन पाएंगे अभी मुझे अच्छे से, क्योंकि मैं अभी एक होता है ना अंदर से बस ये भाव आया कि नहीं मुझे आप लोगों से साझा करना है। पहले तो मैंने सोचा कि YouTube पे मैं लाइव भी आ जाती हूँ, है ना, आप में से जिनके प्रश्न होंगे मैं उनका उत्तर भी दे दूंगी, और साथ के साथ मुझे जो भी चीज़ें आप लोगों से साझा करनी है अभी, है ना, वो कर लेती हूँ, वो चीज़ सोची, पर कुछ मन बन नहीं पाया क्योंकि लाइव तो आती, पर इससे पहले मैं कभी भी लाइव नहीं आई, है ना, लाइव जो वीडियो चलती है तो उसमें कभी मैं लाइव नहीं आई, तो उस तरीके का कोई अनुभव भी नहीं है ना। तो बस वही सोच के कुछ मैं रह गई वहाँ पे। अभी फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा, है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मतलब मैं अभी वीडियोस वगैरह कम भी लाती हूँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है कम डालती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, अवेकनिंग हुई, चेजिंग वगैरह होती है, ठीक है, चेजिंग में चलते रहते हैं हम, है ना, पिक्स वगैरह देखते रहते हैं बहुत टाइम तक, DM को चेज करते हैं ना जितना हो सकता है, वो चीज़ चलती है। फिर डिवाइनल टाइम कंप्लीट होता है, कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं, फिर आपका रियल DM जो भी होते हैं, जो भी आपके रियल DM होते हैं वो आपके पास आते हैं, मीन आपकी लाइफ में आते हैं, पास से मीन ये है, और फिर वही चीज़ें चलती हैं, है ना। और फिर जब डिवाइनल टाइम और कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं आपके, तो उसके बाद फिर आपका रियूनियन होता है ना, जिसमें भी बहुत टाइम लग जाता है रियूनियन में भी, कि जो नॉर्मल रियूनियंस होते हैं, रियूनियन मीन मैं यहाँ पे शादी से बता रही हूँ, ठीक है,
और अनमैरिड रियूनियंस भी होते हैं जो बहुत सारे होते हैं, पर मैं यहाँ पर्टिकुलर मैं जैसे कि बताया आपको, मैं अपनी स्थिति थोड़ी सी आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। तो वो जो चीज़ चलती है, उसके बाद फिर जब रियूनियन होता है, फिर सब चीज़ें नए, जैसे जितनी पुराने कार्मिक बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं, तो आपके पास वो जो एक रियल सोल्स होती हैं ना, मीन प्योर सोल्स होती हैं आपकी लाइफ में, उनका आगमन फिर होता है ना। फैमिली के रूप में कह लो, सब के रूप में, है ना, माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, है ना, सब के रूप में कोई ना कोई आपको एक परिवार में मिल जाते हैं, है ना, सब लोग आपको। और वहाँ हमारी जो सबसे बड़ी भूल रहती है ना, अब मैं आपको थोड़ी सी कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को क्लियर करती चलूँगी। हमारी जो प्रॉब्लम रहती है, हमें लगता है कि जो DM की फैमिली है वहाँ पे भी कार्मिक होते हैं ना। हमारी जो सबसे बड़ी कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, ठीक है, कि वहाँ पे भी कार्मिक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि कार्मिक बैगेज जो होता है ना सबसे अधिक, वो DF की लाइफ में होता है ना। और जो DM होते हैं उनकी लाइफ में जो कार्मिक बैगेज होता है वो उतना ही होता है, सिर्फ कार्मा साइड में, मतलब जो भी जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे वो स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, बस उतना साइड में होता है, उनकी फैमिली में नहीं होती वो चीज़, ठीक है। तो सबसे पहली जो गलतफहमी आप लोगों को रहती है ना, आप में से DM DF जो भी होते हैं, उनको बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि हमारी जो DM है, हमारे जो DF है, उनकी मतलब DF की तो होती है ना, कि कार्मिक फैमिली होती है DF की, ये तो नेचुरल सी चीज़ है ना। और जो DM है उनकी फैमिली कार्मिक नहीं होती है ना। तो वो एज अ गिफ्ट, जिसको आप कह सकते हो, आपको मिलती है ना डिवाइनल जस्टिस के बाद, वो चीज़ हुई। लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि नहीं नहीं हमारे DM जो हैं उनकी फैमिली तो कार्मिक है, क्योंकि उनकी जो मदर है उनका बिहेवियर ऐसा है, या फादर का बिहेवियर, जिसका भी बिहेवियर आप फैमिली मेंबर्स में बोले। पर मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, तो वहाँ आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है, पीछे जाके थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी जर्नी में कहीं भटके तो नहीं है, कहीं आपने कुछ गलतियां तो नहीं की ना इस तरीके की, या खुद से ही आप अंदर से ही अपने आप को, एक बोलते हैं ना, साफ करके नहीं चल पा रहे हो, अंदर से आप क्लियर करके नहीं चल पा रहे हो, अपने आप को उस लेवल पे नहीं ला पा रहे हो, उस प्योरिटी के लेवल पे कि जहां आप देख पाए कि अनकंडीशनल लव की स्थिति में लोग कैसे होते हैं, और जहां कंडीशंस होती हैं वहां प्यार कैसा होता है ना, चाहे परिवार में हो और चाहे परिवार में ना हो, है ना। और असल जिंदगी में सच बताऊं, जो माता पिता का प्यार है, जो DF एनर्जी को मिलता है, वो ये कह लो कि डिवाइनल जस्टिस के बाद जब वो रियूनियन हो जाता है, सरफेस रियूनियन, तभी उसको एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो माता पिता का प्यार है वो उसको नसीब हो पाता है, उस तरीके से जैसे कि आम लोगों को रहता ही है ना। मोस्टली आप अपने आसपास देखोगे कि DFs की लाइफ में ऐसा होता है कि उन का मतलब माता पिता से संबंध उतना अच्छा नहीं होता है शादी से पहले, है ना, कुछ कार्मिक बैगेजेस होते हैं, तो बस जस्ट एक बोलते हैं ना, कर्मा के दौरान उनको बांधा जाता है संबंध में, है ना, माता के रूप में, पिता के रूप में, वो चीज़ होती है ना कुछ कार्मिक बैगेजेस के रूप में। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कि जो DM होते हैं उनके साथ क्या होता है, तो DM के साथ ऐसा होता है कि जो DM की मदर या फादर होते हैं, वो उनका जो पुण्य वाला साइड होता है ना, उसकी वजह से उनके घर में DM का बर्थ होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो DM होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही जो बोलते हैं ना, प्रेयर्स के बाद DM का जो बर्थ होता है वो होता है ना उनके घर में, चाहे किसी भी DM को आप ले लो, मोस्टली ये केसेस देखे गए हैं इस तरीके के, है ना। मतलब ये मान लो वो एक अनवांटेड चाइल्ड नहीं होता है, ठीक है, अगर मैं आज की भाषा में आपसे बात करूं तो वो एक अनवांटेड चाइल्ड कभी नहीं होता है ना। वो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स और मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा अंदर से स्पिरिचुअलिटी जब आप ग्रोथ करते हैं, जब तब ऐसी सोल आपके घर में जन्म लेती है, बस कुल मिला के ये कहने का मतलब है ना। और DF के साथ जबकि उल्टा होता है, DF के साथ ऐसा होता है कि जब तक उसके घर में कोई दूसरा भाई या बहन जन्म नहीं लेता है,
तब तक उस डीएफ को इस तरीके से रखते हैं उसके पेरेंट्स जैसे वो उसका ही है सब कुछ, है ना, एकदम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे सब कुछ। लेकिन दूसरे ही टाइम पे जैसे ही घर में दूसरा चाइल्ड आता है या कुछ भी होता है, तो एक होता है ना कि सारा कुछ जैसे ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो इस घर में हूं ही नहीं, वो वाली फीलिंग आने लगती है एक टाइम के बाद। वो सब चलता रहता है, चीजें होती हैं, ठीक है। आप लोगों को जितना आप लोग सब जानते ही हो कि वो सब चीजें होती ही हैं। लेकिन जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बाद में रियूनियन के बाद चीजें कैसी होती हैं, मैं सीधे उस पे आना चाहूंगी। तो वहां पे जब आपका रियूनियन होता है, वो तो न्यू बिगनिंग का एक फॉर्म होता ही है, क्योंकि आप अगर डिस्टॉर्टेड डीएम के बाद अपने रियल डीएम के साथ सरफेस पे रियूनियन हुआ है आपका या होने वाला है, तो वो न्यू बिगनिंग की जर्नी में काउंट किया जाता है ना, ट्विन फ्लेम्स में। और अगर तो आपको डायरेक्ट डीएम से ही अवेकनिंग हुई और डायरेक्ट डीएम से ही रियूनियन हो रहा है, तो आपको ये मान के चलिए कि आपका जो न्यू बिगनिंग है वो नहीं है। आपको बस इस तरीके से देखना है कि आपका एक पैटर्न ब्रेक हुआ, मीन एक कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हुए हैं वहां पे, और आपकी बस लाइफ शुरू ही है, ठीक है, मीन रियूनियन हुआ है, उससे आप न्यू बिगनिंग नहीं कह सकते हो। न्यू बिगनिंग हम किसको कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अवेकन होने के बाद पहले किसी डिस्टॉर्टेड डीएम से टकराए, फिर रियल डीएम आपकी लाइफ में आए, है ना, और उसके बाद आपकी लाइफ में चीजें शुरू हुई, ठीक है। और काफी ज्यादा जो मीन मैं ये कहूंगी कि जो अपनी सोल की जो एक लैंग्वेज होती है, जो उसका इंट्यूशन होता है, उसको नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते, वो जो डिस्टॉर्टेड डीएम होते हैं, वो कई बार अलग अलग सोल से टकराते हैं। डिस्टॉर्टेड डीएम उनको मिलते हैं उनकी लाइफ में, ऐसा कह सकते हो, आपको उनको एक बार में उनके रियल डीएम नहीं मिलते, वो चीज़ हो जाती है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी सोल को भी सुनना जरूरी है, और ये जर्नी किस तरीके से काम करती है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि रियूनियन के बाद, जैसे मैंने बताया कि न्यू बिगनिंग अगर होती है तो इस तरीके से होती है, और नहीं होती तो वो कैसी होती है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जब आपकी न्यू बिगनिंग हो जाती है या फिर बिगनिंग जब भी हो जाती है, तो रियूनियन के बाद लाइफ कैसी होती है, एकदम पीसफुल जिसको बोलते हो ना, पीसफुल तो होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको जैसे होता है ना कि आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखते हो, तो दोनों पैर एक साथ नहीं रखते हो आप लोग, है ना, और वो पॉसिबल भी नहीं है, है ना, एक पैर पीछे ही रहता है और एक पैर आगे रहता है ऊपर। तो तब आपको ये समझने की जरूरत होती है कि वो टाइम संतुलन बनाने का होता है, वहां संतुलन नहीं होता है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब आप एक परिवार से जब दूसरे परिवार में शामिल होते हो, तो वहां पर आपको भय भी रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं कि मेरी एक जर्नी है, वो सब चीजें पीछे ना छूट जाए, है ना। जैसे कि मैं अपने अनुभव से सब चीजें बता रही हूँ आप लोगों को, वो चीज रहती है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, वो चीज कह लो, है ना, आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी रहना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, आप डेवोट टी की तरह एक रहते हो कि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें अंदर से आपके आती हैं, ये करना है मुझे, वो करना है। और जैसे कि मैं बता रही थी कि जब डीएम की अवेकनिंग, मतलब एक डीएफ की अवेकनिंग जब हो जाती है, और काफी देर तक वो चेजिंग और वो सब चलता है, डिस्टॉर्टेड डीएम का आना वो सब, तो एक टाइम के बाद जो डीएम के आने की जो हमारे अंदर से आशा होती है ना कि डीएम आएंगे, हमारा रियूनियन होगा, वो चीज होगी, वो चीज सब निकल जाता है अंदर से। फिर एक टाइम आपका, अगर आप सही तरीके से अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हो, अपनी सोल पे काम कर रहे हो, सोल ग्रोथ पे काम कर रहे हो, तो आपके अंदर एक ही चीज आएगी कि नहीं, मुझे एक जो संत का जीवन होता है मुझे वैसा चाहिए, एक योगी वाला जीवन चाहिए, है ना, मुझे मतलब ये जो गृहस्थ वाली लाइफ है वो नहीं चाहिए। आपके अंदर जो ये डीएम की जो रहती है ना कि हमारे डीएम कब आएंगे, हमारे डीएम कब आएंगे, वो चीज आपके अंदर से निकल जाती है। पर एक और बात याद रखने की, ये होता तभी है जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही हो, है ना, पर अगर जब वो स्लो चलती है या स्टक एनर्जी में चलती है, तब आप एक ही एनर्जी में हमेशा बने रहते हो ज्यादातर, कि हमारे डीएम कब आएंगे, और सवाल मतलब अगर इग्नोर करने की कोशिश भी करते हो, फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी आपका एक ही सवाल रहता है ना, वो चीज रहती है। तो अब ये ना आप लोग अच्छे से अपने आप से रिलेट कर पाओगे कि आप में से कौन इस तरीके की और किस चीज पे आप
कहाँ कहाँ आप हो अभी अपनी एनर्जी और अपनी जर्नी के लेवल पे, है ना, वो समझ पाओगे आप लोग। फिर जैसे कि मैंने बताया कि एक पैर पीछे रहता है एक पैर आगे रहता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पीछे आपकी वो लाइफ जब आपने अवेकनिंग के बाद खुद को ग्रोथ करते हुए देखा है, और दूसरा जब आप नए लोगों से जुड़ रहे हो, और जब आपने ग्रोथ करते हुए देखा तो उस टाइम पे आपको ये पसंद था कि आप किसी से बात ना करो, सबसे कट ऑफ ले लो, है ना, इस 3D के लोगों से, इवन अपनी फैमिली मेंबर से बात तक करना छोड़ देते हो आप लोग। ये होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक जब सोल ग्रोथ करती है तो ये नहीं होता कि वो अपने से कम समझती है किसी को, बल्कि ये होता है कि उसका मन ही नहीं करता, उसकी अंतरात्मा ही नहीं करती कि वो किसी से बात करे ज़्यादा देर, है ना, जुड़े। मतलब उसको एक बोलते हैं ना, अंदर से बस एक शांति होती है जो उसको खींच रही होती है अपनी ओर, कि वो कम बात करे, कम बोले, लोगों से ज्यादा चर्चा में ना रहे, है ना, लोगों की भीड़ में जाना उसको पसंद नहीं होता, बहुत बदलाव हो जाते हैं उसके अंदर। फिर जब शादी होती है और वो सब चीजें, जब रियूनियन होता है आप लोगों का जब भी, है ना, अपनी डीएम से, तो फिर आपके सामने वही एक चुनौती बन के सीधे खड़ी होती है, वो सारी चुनौतियां सामने आती हैं जो अपने अपनी फैमिली के पास देखी होती हैं लगभग, है ना। पर कुछ जो चुनौतियां होती हैं वो अच्छी होती हैं, जिनकी मैं बात करूंगी। जैसे कि पहली चुनौती यही आती है कि अब नए लोग होंगे तो जाहिर सी बात है भीड़ वाला माहौल होगा परिवार में, मतलब कैसा होगा, कैसा, मतलब वो चीज होती है ना, हम जिस चीज से डरने लगते हैं, जिस चीज से भागने लगते हैं एक सोल ग्रोथ के बाद, है ना, शांति पसंद है, लोग कम पसंद है, वो सब चीज होती है। पर वहां पे आपके साथ होता क्या है कि आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, वहां पे एक साइड में उस टाइम पे वहीं पे आपको रोक दिया जाता है, और आपको फिर काम करने दिया जाता है कि आप अपना 3D को 5D में बैलेंस करो, है ना। तो आपको वो ड्यूटी दे दी जाती है कि आप अब ये जो भी सोल्स आपसे नई जुड़ी हैं उनके साथ अपना एक अच्छा रिश्ता कह लो, है ना, संबंध कह लो, वो स्थापित करो, और एक प्योर सोल की तरह इन लोगों के लिए अनकंडीशनली करना शुरू करो, है ना। और मैं बताती हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी है कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल था वो बीच में जो एक होता है ना डिवाइन एल टाइम था, और उसका यूट्यूब की वजह से इश्यू हो रहा था, वो लॉगिन नहीं हो रहा था दोबारा से मेरा चैनल, है ना, काफ़ी इश्यू आए थे। 8 मंथ या 9 मंथ कम से कम ये बंद रहा है चैनल, है ना, तो वो चीज़ हुई। तो जब ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं तो आपको समझ आ रहा होता है कि नहीं, ये आपको टाइम दिया गया है कि आप पहले जो सोल्स के लिए कर रहे थे, जो प्योर सोल्स थी, है ना, उनके लिए कर रहे थे, अपनी सोल फैमिली के लिए, तो अब आपका टाइम है कि अपनी जो फैमिली है, अपने डीएम की जो फैमिली है, उनके लिए अनकंडीशनली करना शुरू करो, है ना। वो चैलेंज है आपके लिए कि अब आपको उनके लिए अनकंडीशनली करना ही करना है। अगर जब तक आप चीज़ें अच्छे से उनके साथ करके नहीं चलोगे, आप अपना 5D 3D सब खत्म कर लोगे, सब बिगाड़ लोगे, वो कह लो कि एक झटके में पूरा ताश के पत्तों का जो महल है वो टूट के बिखर गया, इस तरीके से आप कह लो। आपकी एक गलती आपको बहुत नीचे लेके आ सकती है ना। सोल ग्रोथ में भी यही चीज होती है, जैसे बोलते हैं ना, एक सारे एग्जाम्स पास कर लिए, बस वो एक एग्जाम रह गया, तो आपको वापस से उसी स्टैंडर्ड में बैठना पड़ेगा, उसी क्लास में, और वापस से सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, वो चीज होती है ना। लेकिन जब आप सब कुछ अच्छे से करके चल रहे होते तो आप ये पाते हो एक टाइम के बाद कि सच में जब सब चीजें सही होने लगती है ना, तो अंदर से ना जो सुकून, जो शांति आपने कभी अपने घर पे देखी थी ना अवेकनिंग के बाद बहुत देर में, है ना, वो ही सुकून शांति आपको वापस से फिर मिल जाती है। जैसे लोगों से कम बात करना, है ना, कम जुड़ना, भीड़ में कम शामिल होना। लेकिन अब ये एक चीज हो जाती है, जब आप अचानक से भीड़ में शामिल होते हो अपनी फैमिली में या कहीं पे भी, तो फिर ये है कि आप उस हिसाब से बैलेंस इतना हो चुके होते हो कि उनके साथ होते हो तो उतना एंजॉय करते हो, और जब अकेले होते हो तो उतना ही सुकून में रहते हो, है ना। मतलब 5D और 3D आप इतना अच्छे से बैलेंस कर लेते हो चीजें। तो अभी जो मेरे अंदर की जो फीलिंग थी वो मैंने आपसे इसीलिए शेयर की, अपने अंदर की जो एनर्जी थी वो इसीलिए शेयर की, जिससे कि आप लोग ये चीज समझ सको कि जो एक सोल है वो किस तरीके से काम करती है, बैलेंस क्यों किया जाता है ना। बोलते हैं ना 5D आपके अंदर है, 3D बाहर है। अब जितना बाहर ढूंढोगे, जितना बाहर खोए रहोगे, अब 3D में खोए हो, अब जितना अपने अंदर अपने को आप जानने की कोशिश करोगे उतना आप 5D लेवल में ग्रोथ करोगे। वो चीज है एक क्लियर जो मैं बोलती हूँ। और आप अपने डीएम
कुछ जैसे बोलते हैं ना कि डीएम को चेंज नहीं करना, ये नहीं करना, तो हमारा रियूनियन जो है वो क्लोज कैसे आए? वो रियूनियन क्लोज जब ही आता है जब आप चेंज करना बंद करके अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। और डीएम में कैसी एनर्जी होती है, इतनी पॉजिटिव प्योर सोल होती है वो, कि वो चाहती ही ऐसी सोल है जो अपने आप को जानती हो, जो अपने सेल्फ को जानती हो, जो औरों से अलग हो, है ना, ऐसी सोल को चुनना पसंद करते हैं। तो डीएम एनर्जी अपने आप में वही एनर्जी होती है और वो लोगों से वही एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बस मुझे आज अपने इस वीडियो में यही कहना था, और शायद से ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पर मुझे जितना पता है कि आप लोगों को इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, है ना। और अभी मेरे सामने मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, जिसकी पिक मैं आप लोगों से अभी शेयर कर दूंगी, है ना, चैनल पे ही। तो राधे राधे आप सबको, है ना। और कहते हैं ना कि चीजें आपको बहुत साथ देती हैं, सब चीजें आपको साथ देती हैं ना। जब बोलते हैं ना परिस्थितियां खराब होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ साथ नहीं दे रहा, लेकिन जब सब कुछ अच्छा होता है और शांति होती है, सुकून होता है, आप अपने आप को जान रहे होते हो और जान चुके होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ खराब है ही नहीं, कहीं कुछ कमी है ही नहीं, सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ तो सुकून भरा है ना। तो बस यही कहने की कोशिश है मेरी कि अपने आप को जानने की कोशिश करो, और कहते हैं ना कि उस ईश्वर को पाने की कोशिश करो, और उस ईश्वर को पाने की कोशिश में जब लग जाओगे तो आपकी ये जर्नी वो खुद हाथ पकड़ के पार करा देंगे। वो ऐसे हैं, ठीक है, हमारे जो बांके बिहारी हैं, हमारे जो शिव हैं, अब जो भी ईस्ट मानते हो, किसी देवी को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, लेकिन आप एक बारी कहते हैं ना कि सच्चे मन से सच्चे दिल से उनको बोलते हैं ना कि उनके आगे अपने आप को समर्पित कर दो, कि नहीं जो भी करना है अभी मेरी जर्नी में आपको ही करना है, और वो जब हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो याद रखना फिर दुनिया में कोई आपका हाथ पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चीजें सब कुछ आपके साथ वो अच्छा करवाते चलते हैं आगे से आगे, और ये मेरा खुद का अनुभव है ना। तो मैं वही चीज आप लोगों से आज साझा करना चाहती थी। चलिए, धन्यवाद, खुश रहिए आप लोग, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।